साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग की शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 अहम बैठकों में ये कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 100 दिन के एजेंडे की समीक्षा पर ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसको खुद पीएम मोदी लीड करने वाले। नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर ये बैठक करेंगे पीएम मोदी। पूर्वोत्तर में चक्रवात के हालात की भी समीक्षा करेंगे और चक्रवात के बाद की स्थिति की भी समीक्षा पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी। ना सिर्फ रिमाल चक्रवात की समीक्षा की जाएगी, बल्कि हीट वेव की स्थिति की भी समीक्षा पर बैठक में चर्चा होगी। विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता रहे हैं कि आज पीएम मोदी की बैठकों का दौर शुरू होगा और आज इस बड़ी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहली बात तो 100 दिन के कामकाज एजेंडे पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से कल एग्जिट पोल के नतीजे निकल कर आए, जिस तरह से बीजेपी या फिर एनडीए बहुमत पार करते हुए पूर्ण रूप से अपनी खुद की सरकार बना रही है बिना किसी सहयोग से, उसके हिसाब से पीएम मोदी की यह बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा की जा सकती है और रिमाल तूफान और हीट वेव को लेकर चर्चा भी, विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बड़ी बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और किस तरह महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, जाहिर है कल 7वां चरण का जो मतदान है लोकसभा चुनाव को लेकर वो खत्म हुआ है, और तुरंत मतदान खत्म होने के बाद में जैसे ही शाम को एग्जिट पोल्स आए तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी और एनडीए जो है एक बहुत बड़ी जीत के हुए जीत की तरफ जाते हुए अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने फिर से आज से सरकारी कामकाज को संभाल लिया है और उसके बाद तुरंत आज ही उन्होंने 7 बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पहली बैठक जो होगी वो खासकर जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से साइक्लोन आया और साइक्लोन के बाद में तमाम जो 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 राज्य हैं वो प्रभावित हुए, चाहे वो असम की बात हो, सिक्किम की बात हो, खुद बंगाल के कुछ एरियाज की बात हो, किस तरह से वहाँ लगातार साइक्लोन ने वहाँ जो हिट किया है उसको किस तरह से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में जो दूसरी बैठक होगी वो होगी किस तरह से देश में हीट वेव के हालात हैं, गर्मी से किस तरह से हालात हैं, आपने देखा कई सारी जगह लोगों के मरने तक की खबर आ रही है हीट वेव के चलते, तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी किस तरह से वहां राहत और बचाव कार्य हीट वेव को लेकर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद में एक बैठक होगी, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में भारत में भी वो बहुत बड़े स्केल पर मनाने की सरकार की तैयारी है, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी किस तरह से कहां कहां कार्यक्रमों का आयोजन होना है, किस तरह से आगे तमाम तरह के कार्यक्रमों का पूरे देश भर में आयोजन किया जाना है, उसको लेकर तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। उसके बाद में 100 दिन के रोड मैप को लेकर, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ में एक आखिरी बैठक की थी, तो उसमें यह कहा था कि हमको आगे अपने 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करना है, सबको लगातार चुनाव चलता रहेगा लेकिन उसके बीच में सभी मंत्रालयों के मंत्रियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करना है कि जब अगली सरकार हमारी बनेगी तो उसको लेकर अगले 100 दिन में कौन कौन से काम किए जाने हैं, किस तरह से सरकार को काम करना है, उसको लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाना है। तो वो रोडमैप को लेकर लगातार जो मंत्रालयों के अधिकारी थे उस पर काम कर रहे थे, बीच बीच में प्रधानमंत्री खुद तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो अब जो है कि 100 दिन का रोडमैप जो है, चूंकि 4 जून को परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद में सरकार को किस तरह से काम करना है, 100 दिन में पहले 100 दिन में कौन कौन से काम किए जाने हैं, कौन कौन सी योजनाओं पर काम होना है, किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है, तो इन सब विषयों को लेकर आज ये तमाम महत्वपूर्ण बैठक जो है पूरे दिन प्रधानमंत्री अपने घर आवास पर करने वाले हैं। तकरीबन 7 ये बैठक होने वाली है और उसमें एक एक चीज को लेकर बड़ी गहनता से समीक्षा की जाएगी। ठीक है पवन, जैसे हीट वेव को लेकर आपने बताया चर्चा होगी, उसके बाद रिमाल तूफान को लेकर चर्चा होगी, पर्यावरण दिवस 5 जून को आयोजित की जाती है उसके लेकर चर्चा होगी, 100 दिन के कार्य को लेकर भी रोडमैप को लेकर चर्चा होगी। अहम बैठकों का दौर आज कब से शुरू होगा, क्योंकि 7 अहम बैठकें आप बता रहे हैं आपके द्वारा बताया जा रहा है, और इसमें किन किन के सम्मिलित होने की चर्चा है? देखिए, जो ये जो बैठक होनी है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और मंत्री इस बैठकों में रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि अगर साइक्लोन हिट की बात करें तो उसमें कई सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या उसके अलावा जो और भी गृह मंत्रालय की कई सारी एजेंसीज राहत और बचाव कार्य में लगते हैं, तो उसमें ये सब अधिकारी रहेंगे। उसके बाद में अगर हीटवेव की बात करें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आज ही पीएम आवास पे 7 बड़ी बैठकों को आयोजित किया जाएगा, जिसको खुद लीड करेंगे पीएम मोदी। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बीच में सिक्किम से बड़ी खबर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा का चुनाव उसी